today's starts new topic online classes. This topic has a very important students. Be careful and requested point to students, please video like, share, subscribe and bell icon press. The students, our boards writes this topic has a importance. This topic का collected NCERT book according. Students be careful and to see on board and start the topic. Today's का take the topic reducing nature. आज हम reducing natures of alkali metal के बारे में हम study करेंगे कि alkali metalों का reducing nature कैसा होता है. तो अल्कली मेटल रिड्यूसिंग नेचर एज ए रिप्रेजेंट ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स. पॉइंट फर्स्ट सब्लिमेशन इन थर्पी लाइक अल्कली मेटल ऑन हीटेक्स डायरेक्टली कन्वर्ट टू गैस फॉर्म. डू नॉट मिडिल ऑर्डर द फॉर्म रिप्रेजेंट्स नोन एज ए दिस point is represent the sublimation and sublimation enthalpy. Sublimation enthalpy, what is sublimation enthalpy? Sublimation enthalpy यह वह enthalpy होता है जब किसी भी substance को heat करते हैं तो directly जो है gas form में convert हो जाता है. जो energy उनको applied की जाती है जिसके द्वारा वह gas में convert होता है तो उस एनर्जी को सब्लिमेशन एंथैल्पी के नाम से जानते हैं. तो अल्कली मेटल ऑन हीटेड सॉलिड सब्सटेंस टू कन्वर्ट टू डायरेक्टली गैस अप्लाई द एनर्जी नोन एज ए सब्लिमेशन एंथैल्पी. ओके नेक्स्ट है जैसे आप यहां देख रहे हो यम जो है अल्कली मेटल्स है. ठीक है इसको ऑन हीट किया कन्वर्ट हो गया गैस के फॉर्म में अल्कली मेटल. तो ऐसे जो है सब्लिमेशन का फॉर्म लेंगे और जो एनर्जी अप्लाई की गई है एक फॉर्म से सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तो उसे हम जो है उस एनर्जी को सब्लिमेशन एंथैल्पी कहते हैं यानी वो एंथैल्पी हो जाएगा. अगला है उसी में जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है. द आयनाइजेशन एंथैल्पी प्रोसेस इन विच एनी सब्सटेंस गैस स्पेस one electron applied to energy one electron is a release to form as a ground state known as a ionization enthalpy. बात समझ में आ रहा है यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी अल्कली मेटल गैस फेज में है और उसको एनर्जी अप्लाई करने पर वह आयनाइज हो जाता है इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है. तो लूज करने के लिए जो एनर्जी अप्लाई की गई है उस एनर्जी को आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं. जैसे यम अल्कली मेटल को डिनोट कर रहा है गैस फेज में है वो आयनाइज हो गया है तो फिर भी गैस फेज में इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो ऐसे जो है माप को जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं. अगला जो है हाइड्रेशन एंथैल्पी. अल्कली मेटल्स अल्कली आयनिक फॉर्म ऑफ गैस मेटल रिएक्ट टू वाटर टू फॉर्म ऑफ द आयनिक एक्वा फॉर्म नोन एज ए हाइड्रेशन एंथैल्पी. यानी कहने का मतलब यह है कि कोई अल्कली मेटल है गैस फेज में है आयनाइज है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर के साथ रिएक्ट करने के लिए जो एनर्जी अप्लाई की जाती है और वो जो है पुनः वह एक्वा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है आयनाइज फॉर्म में तो उसे हम हाइड्रेशन ठीक है एंथैल्पी के नाम से जानते हैं. तो यह जो है रिड्यूसिंग नेचर ऑफ द अल्कली मेटल के अंदर फॉलोइंग टाइप्स आते हैं सब्लिमेशन एंथैल्पी आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी आता है और हाइड्रेशन एंथैल्पी के अंदर जो है हम स्टडी करते हैं. तो ये जो है रिड्यूसिंग नेचर ऑफ द अल्कली मेटल के अंदर हम देखते हैं. ओके अगला हमारा पॉइंट है आपका सॉल्यूशन इन द लिक्विड अमोनिया. अल्कली मेटल रिएक्ट टू सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया टू फॉर्म ऑफ द अमोनियमेटेड आयंस फॉर्म रिप्रेजेंट एज ए कलर डार्क ब्लू रिप्रेजेंट्स दिस
solution as a ammoninated spawn represent dark blue colors, and sometimes free solution show as a converted form the alkali ammoniated alkali ammonite form and hydrogen gas release. यानी कहने का मतलब यह है कि अल्कली मेटल्स को जब लिक्विड अमोनिया के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो वह जो है आयनाइज हो जाता है, ठीक है, अमोनिनेटेड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे उसका कलर सॉल्यूशन का जो होता है वह जो है ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर शो करता है. और कुछ समय के लिए यह जो है अमोनिनेटेड फॉर्म को हम जब छोड़ देते हैं तो वह जो है, ठीक है, और पुनः जो है वह क्या कर जाता है, वह बैक फॉर्म में कन्वर्ट होता है अमोनिया में. और वही लिक्विड अमोनिया जो है कुछ समय के बाद जो है क्या हो जाता है, ठीक है, अल्कली, ठीक है, एमाइड्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वह जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. तो उस समय भी इसका जो कलर जो होता है वह जो है ब्लू कलर शो करता है. तो जब यह अमोनिनेटेड फॉर्म शो करेगा तो यह जो है पैरामैग्नेटिक फॉर्म शो करता है. कैसा शो करता है? पैरामैग्नेटिक फॉर्म शो करता है. और जब यह जो है अल्कली एमाइड्स के फॉर्म में जब कन्वर्ट होगा तो उस समय डाइमैग्नेटिक फॉर्म शो करता है. तो पैरामैग्नेटिक और डाइमैग्नेटिक दोनों डिफरेंट फॉर्म होते हैं. पैरामैग्नेटिक फॉर्म एज ए रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट्स नोन एज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड डाइमैग्नेटिक सब्सटेंस एज ए इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पास सब्सटेंस डू नॉट स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट आर ए रिपल्स, ओके, नोन एज ए डाइमैग्नेटिक. बात समझ में आ रहा है? यानी पैरामैग्नेटिक वे होते हैं जब उस सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में हम पास करते हैं तो वह जो है उसका अट्रैक्शन हाईली होता है और इजी वे में अट्रैक्ट हो जाता है उस फील्ड के तरफ, तो उसे हम पैरामैग्नेटिक के फॉर्म में यूज करते हैं. और डाइमैग्नेटिक वे होते हैं जब पास करने पर वह रिपल्स करे, उससे दूरी बनाए, तो इस तरह जो है वह डाइमैग्नेटिक कहलाता है. तो ये डाइमैग्नेटिक के अंदर अल्कली एमाइड्स जो है यूज होते हैं और यह अमोनिनेटेड जो यह सॉल्यूशन जो है यह पैरामैग्नेटिक होता है और यह मैग्नेटिक फील्ड में इजी वे में यह आयनाइज हुआ है ना, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट हो जाएगा और इसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट नहीं होता है, सिंपल सी बात, ओके. अगला हमारा जो है पॉइंट्स है यूज ऑफ द अल्कली मेटल्स. यूज ऑफ द अल्कली मेटल द फॉलोइंग पॉइंट्स यूज. पॉइंट फर्स्ट, लिथियम एज यूज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एलॉयस. यानी मिश्र धातुओं के बनाने में लिथियम का हम यूज करते हैं. सोडियम यूज ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक सेल इन इलेक्ट्रोड बॉम्ब यूज. यानी फोटोइलेक्ट्रिक सेल के अंदर जो है इलेक्ट्रोड के रूप में इसका यूज करते हैं. मैग्नीशियम यूज ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द फर्टिलाइजर्स. यानी फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में जो है इसके निर्माण में जो है पोटेशियम का यानी के का हम यूज करते हैं. नेक्स्ट जो है आपका ये रुबिडियम. और जो है रुबिडियम इसका यूज जो है अक्सर जो है ये अल्कली मेटल्स के फॉर्म में या फर्टिलाइजर्स के ही रूप में जो करते हैं. और ये सीजियम का यूज जो है फोटोइलेक्ट्रिक, ठीक है, सोलर सिस्टमों के अंदर प्लेट्स के फॉर्मेशंस में जो है इसका हम यूज करते हैं. और ये जो है और फ्रेंसियम जो होता है रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसों के फॉर्म में ये यूज किया जाता है. तो स्टूडेंट्स आपने ये सारे पॉइंट्स को देखा, इसको समझ लिया. नीचे में जो है आपका एक प्रॉब्लम हमने रखा है, वह प्रॉब्लम है आपका द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 एज ए डिनोटेड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 फॉर द Cl2 / Cl आयन इज
1.36 for the I2 oblique I negative is or 0.53 for the AC is plus 0.79 sodium ion oblique Na is the minus 2.71 and the for lithium ion oblique lithium is the minus 3.04. I estimate the following ionic species in the decreasing order of the reducing strength. यानी ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स के टेंडेंसी के बेस पर ये जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है इन एलिमेंटों को और इन आयंस को अरेंज करना है, तो इसको हम यहाँ अरेंज कर देते हैं सॉल्यूशन के अंदर। ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या होगा? तो पहले जो होगा लिथियम होगा, दूसरा जो होगा सोडियम निगा होगा, तीसरा जो होगा आपका आपका आयोडीन हो जाएगा, चौथा सिल्वर होगा और पांचवा जो है क्लोरीन हो जाएगा। तो ऐसे जो है ये ऑर्डर के फॉर्म में हम अरेंज कर लेंगे। ये देख लेते हैं कि इनका जो है लिथियम है, लिथियम का जो है कितना है इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो जिसकी निगेटिविटी हाईली होती है वह जो है वह क्या होता है, वह स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसका हाईली होगा, उसके बाद उससे लो, उसके बाद उससे लो, ठीक है। ऐसे क्रम से जिसका सबसे अधिक होता है पॉजिटिवली वो लास्ट में रखते हैं। तो ये रिड्यूसिंग फॉर्म में हम ऐसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन आपने समझ लिया, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, इन सारे टॉपिकों को क्लियर कर लिया। इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन देंगे, उन क्वेश्चनों को प्लीज आप सॉल्व करके चेक कराइएगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्लेन द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ अल्कली मेटल्स, एक्सप्लेन द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ अल्कली मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सब्लिमेशन एंथैल्पी विथ एग्जांपल, व्हाट इज सब्लिमेशन एंथैल्पी विथ एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी विथ एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी विथ एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, What happens when alkali metal react to liquid ammonia to form? Next question, explain the use of alkali metals. Next question, what happens when alkali metal on heated to form? Please students, solve this question and check the solution. Okay, thanks.